अगर आप भी घर पर वही पूड़ी पराठा खाकर बोर हो गए हैं तो आइए आज हम और आप मिलकर बनाते हैं लिट्टी चोखा की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। हम यहाँ ले रहे हैं करीब 2 कप आटा। इसी के साथ हम यहाँ लेंगे ऑयल, आप ऑयल या घी कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ करीब 1 बड़ा चम्मच के करीब ऑयल ले लिया है। इसी के साथ हम यहाँ ले रहे हैं नमक, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, अजवाइन, इसे हम हाथों से क्रश करके डाल देंगे। अजवाइन से हमारी लिट्टी चोखा में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसका एक सख्त आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। जैसा कि हम पूड़ी के लिए आटा लगाकर तैयार करते हैं, बस हमें उसी तरीके का आटा लगाकर तैयार करना है। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से। हमने इस तरीके से सख्त आटा लगाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा आटा ना तो बहुत ज़्यादा सख्त है ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। बस अब हम इस आटे को 10 मिनट के लिए इसी तरह रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए आपके घर में लिट्टी चोखा किस किस को पसंद है। 10 मिनट हो गए हैं, हम आटे में से इस तरीके से छोटी छोटी सी लोई तोड़कर इन्हें गोल गोल शेप दे देते हैं। आपको इन्हें बहुत ज़्यादा चिकना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इन्हें इस तरीके से अपने साइज़ के हिसाब से आप जिस तरीके का बाटी बनाना पसंद करें उस हिसाब से आप बस हाथों से इन्हें हल्के हाथों से इस तरह मसल कर इनको गोल शेप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बस इस तरीके से छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर हम रेडी कर लेते हैं। इसी तरह हम सारे बॉल्स रेडी कर लेते हैं। आपके घर में लिट्टी चोखा किस तरीके से बनाया जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये लीजिए, हमने सारी बाटी बनाकर तैयार कर ली है। 2 कप आटे में करीब हमारे 17 पीस बनकर तैयार हुए हैं। ये 4 से 5 लोगों के लिए पर्याप्त हैं। यदि आपके घर में ज़्यादा मेंबर हो तो आप उस हिसाब से आटा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब हम इन्हें सेक लेते हैं। हमने तंदूर गैस पर गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। आइए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तंदूर भी हमारा गर्म हो गया है। बस हम सारी बाटी को इस तरीके से तंदूर पर सेट कर देते हैं और स्लो मीडियम गैस पर इसे हम सेकने देंगे और बीच बीच में इसे हम चेक करते रहेंगे जिससे कि हमारी बाटी जले ना और अच्छे तरीके से परफेक्ट सेक कर तैयार हो। हर शहर में सभी को खाना बहुत ही पसंद है। लीजिए, हमने सारी बाटी को सेट कर दिया है। बस हम इस तरीके से ढककर इन्हें 10 से 15 मिनट तक सिकने देंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। तो ये लीजिए, हमारी बाटी तो बनकर रेडी हो गई है। अब हम इन्हें ओवन में से निकाल लेते हैं और इन्हें सर्व करते हैं। हमने यहाँ देसी घी ले लिया है और जो हमने बाटी बनाकर तैयार की थी उसे हम बस इस तरीके से घी में डिप कर देंगे। इसे हम हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे कि घी हमारी बाटी में अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए और बस हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। इस तरीके से इसी तरह हम सारी बाटी तैयार कर लेते हैं। लीजिए, मेरा लिट्टी चोखा तो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसे कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं आपको इसे
चेक करके भी बताती हूँ हमारी बाटी कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं अंदर से भी परफेक्ट सिककर तैयार हुई है और कितने अच्छे क्रैक्स भी इसमें आए हैं, जिससे हमारी बाटी जो है अंदर परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुई है। ये देखिए,